नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्ञानकोश। मेरा नाम है वसीम अकरम और आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसे कॉलेज की जहाँ से मैंने खुद अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। आज मैं बात करूँगा गुरु हरकिशन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की। गोला जैसे शहर में, एक छोटी आबादी वाले टाउन में, गुरु हरकिशन कॉलेज ही क्यों बेस्ट है? सबसे पहले मैं उसका कंपेरिजन जो गोला शहर में और प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनसे करूँगा कि उनमें अगर आप एडमिशन लें तो गुरु हरकिशन डिग्री कॉलेज में ही क्यों लें। सबसे पहले जो हमारे आसपास के कॉलेजेस हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनका मेन धंधा है सिर्फ पैसा कमाना। वहाँ आप जाते हैं, एडमिशन लेते हैं और फिर उसके बाद में आप लास्ट में एग्ज़ाम देने जाते हैं जहाँ नकल के माध्यम से आप पास हो जाते हैं। पर ऐसी पढ़ाई का कोई फ़ायदा है? सिर्फ परसेंटेज बन जाएगी आपकी और आप पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा है जब आपको ज्ञान ही ना मिले? क्या ऐसी शिक्षा के माध्यम से आप अपनी ज़िंदगी में आगे कुछ अच्छा कर पाएंगे? ऐसी शिक्षा आपके किस काम की है? और दूसरी बात उन कॉलेजेस की, इन कॉलेजेस में ना तो अप्रूव्ड टीचर हैं ना उन कॉलेज में ज़रूरी सुविधाएं हैं, लेकिन वो कॉलेज सिर्फ और सिर्फ धंधा करने के लिए ही चल रहे हैं। अब अगर बात करें पढ़ाई के साथ साथ गुरु हरकिशन में अदर एक्टिविटीज़ की, तो आजकल के युग में अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं पर अगर आप में स्किल्स अच्छी नहीं है तो शायद आप सर्वाइव ना कर सकें, क्योंकि आपके अंदर की प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये होना बहुत ज़रूरी है। गुरु हरकिशन डिग्री कॉलेज में आपको पढ़ाई के साथ साथ मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे आपको अदर एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे कि बैंकिंग क्विज़, फाइनेंशियल क्विज़, डिबेट्स, ऐसे इवेंट्स होते रहते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ता है और आपको ये चीज़ आगे फायदा देती है। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर ये वीडियो बना पा रहा हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पढ़ाई के साथ साथ अच्छी प्रेजेंटेशन स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाई गई। अब आपको ले चलते हैं गुरु हरकिशन डिग्री कॉलेज में और मिलवाते हैं प्रिंसिपल सर से और वहाँ के प्रोफेसर से। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार सक्सेना, विभागाध्यक्ष वाणिज्य विभाग गुरु हरकिशन पीजी कॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम सभी अभिभावकों एवं छात्र छात्राओं को ट्वेल्थ के रिजल्ट के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विद्यार्थियों, मैं आपसे अपने महाविद्यालय के बारे में, वाणिज्य विभाग के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। हम अपने महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को विगत वर्षों में रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि आज हमारे महाविद्यालय के पास आउट छात्र छात्राएं अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से कार्यरत हैं। कुछ विद्यार्थी अच्छी जॉब कर रहे हैं, कुछ अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, कुछ सरकारी क्षेत्रों में सेवारत है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस के लिए गए हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम उन्हें बीकॉम फर्स्ट ईयर से ही, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा जहाँ से उनकी होती है, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से ही उनको इस तरह से ढालते हैं कि आगे चल के उनको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े, किसी झिझक का सामना ना करना पड़े। इसके लिए हम अपने महाविद्यालय में, अपने विभाग में क्विज कॉम्पिटिशन, सेमिनार, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ आयोजित करवाते हैं, जिसका महत्वपूर्ण उद्देश्य सिर्फ एक होता है कि विद्यार्थी सिर्फ किताबी कीड़ा बन के ना रह जाए, उसको किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो, जिससे कि समाज में आगे चलकर वो कुछ अच्छा कर पाए। बच्चों, अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी, वट एवर यू वॉन्ट टू बी ए गुड मैन, आप जो कुछ बनना चाहते हो बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। और ये सत्य है कि एक अच्छा इंसान अपने ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाएगा, सफलता को प्राप्त करेगा। तो मेरा आप सभी विद्यार्थियों से ये सजेशन है कि आप गुरु हरकिशन महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, एश्योर करता हूँ कि डेफिनेटली 3 साल के बाद आप अपनी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज पाएंगे। आप ये चेंज पाएंगे कि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि आप जिस फील्ड में जाएंगे कुछ अच्छा करेंगे, चाहे आप सरकारी सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट जॉब के लिए जाएं, चाहे अपने बिजनेस के लिए जाएं, चाहे अपना कोई और वर्क स्टार्ट करें, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह की रोजगार परक शिक्षा ही उपलब्ध कराते हैं। पिछले कई वर्षों से इस पूरे क्षेत्र में वाणिज्य विभाग का रिजल्ट 90% से अबव रहा है
और यहाँ पर विद्यार्थी अच्छे से अच्छे प्रतिशत से उत्तीर्ण होते हैं। तो भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं आपको ये सलाह दूंगा कि एक उज्जवल भविष्य के लिए आप गुरु हरकिशन महाविद्यालय में प्रवेश लें। धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद, गुरु हरकिशन पीजी कॉलेज गोला। मैं सबसे पहले जो इंटर में पास हुए हैं बच्चों को और उनके माँ बाप को बधाई देता हूँ कि वो एक ऐसे मुकाम से पास आउट हो गए हैं और ऐसी जगह जाना है, उनको ऐसा नया क्षेत्र चुनना है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ 2013 से पढ़ा रहा हूँ, जूलॉजी पढ़ाता हूँ, यहाँ HOD जूलॉजी का हूँ। बहुत से आसपास मैंने कॉलेज देखे हैं, गोला के आसपास बहुत से कॉलेज हैं, कहीं पर भी अप्रूव्ड टीचर नहीं है। हम जहाँ पर अप्रूवल है वहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे कॉलेज में वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं जिनका अप्रूवल है। हमारे कॉलेज में लैब मेंटेन है, अदर कॉलेज में है ही नहीं। मैं आपको एक बहुत अच्छा सी एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं है बल्कि ये कहिए हकीकत बता रहा हूँ। 16 मार्च को जब VC साहब के साथ मैं यहाँ गोला क्षेत्र में उनके साथ गया था, तो मैंने देखा कि परीक्षा जो होते हैं वो क्लर्क करा रहे हैं, कॉलेजों में अप्रूव्ड टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। ये तो मेरी आंखों देखी बात है, जब VC मैम के साथ मैं साथ में था। तो मेरी अभिभावक से विनती है कि वो ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं जहां पढ़ाई होती हो, जहां रिजल्ट अच्छा हो। बच्चा नकल से अगर पास हो भी गया तो आगे करेगा क्या? यहां मैं दावा करता हूं कि गुरु हरकिशन का बच्चा अगर यहाँ से पास आउट होकर निकलता है तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। हम इतने 3 साल में इतनी मेहनत कराते हैं कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। Part 1 में हिंदी मीडियम का बच्चा आता है, फाइनल तक इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। ये विशेषता है हमारे गुरु हरकिशन डिग्री कॉलेज की। यहाँ पर पूरा फोकस पढ़ाई पर रहता है और विद्यालयों का फोकस पता है 2 चीज़ों पर रहता है। कौन कौन सी 2 चीज़ें? एडमिशन और एग्जामिनेशन। हमारे 3 चीज़ों में फोकस रहता है, एडमिशन, एजुकेशन, एग्जामिनेशन। तो हमको ये बतानी ज़रूरत ही नहीं है कि हमारा विद्यालय कैसा है, पढ़ाई के मामले में नंबर 1। आ जाइए, कोई भी विद्यालय वाला यहाँ मेरे मुझसे कंपेयर करे कि ये पूछे कि आपके विद्यालय में कितने अप्रूव्ड टीचर हैं, तो मैं लाइन से खड़े करके दिखा दूंगा, देखिए ये सारे अप्रूव्ड टीचर हैं। कोई और विद्यालय अपने अप्रूव टीचर दिखा दे, उनकी फाइल तो कंप्लीट है लेकिन कॉलेज में नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी की फाइल है, उसमें अप्रूव टीचर हैं, लेकिन मौके पे एक भी टीचर अप्रूव्ड नहीं है। तो गोला नगर के निवासियों, मैं सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा कि जो गुरु हरकिशन है पढ़ाई के मामले में अच्छा है, रिजल्ट के मामले भी अच्छा है और अनुशासन के मामले में अच्छा है। बाकी आप किसी भी कॉलेज से आप इससे तुलना नहीं कर सकते। ऑल द बेस्ट। इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सभी विद्यार्थियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों ने टॉप किया है या अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं उनको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से वो सब समाज के सभ्य नागरिक बनेंगे और अपना देश का और समाज का, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। जिन विद्यार्थियों को किसी कारणवश कम अंक प्राप्त हुए हैं उनको निराशा पालने की ज़रूरत नहीं है, उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। असफलता सफलता के की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम है। इस शहर के अंदर हमारा विद्यालय गुरु हरकिशन डिग्री कॉलेज, इस महाविद्यालय में BA, BSc, BCom, MOF, MCom की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। हमारे महाविद्यालय में न केवल विद्यार्थियों को क्लासरूम के अंदर किताबी ज्ञान की शिक्षा बांटी जा रही है बल्कि स्किल डेवलपमेंट के साथ
उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कार्य भी किया जा रहा है ताकि वो अच्छे अच्छे ऊंचे पदों पे अपने आप को स्थापित कर सकें और अपने माता पिता का और संस्था का नाम रोशन कर सकें। विद्यार्थियों को आज के वातावरण में स्किल डेवलपमेंट पे, भाषा के ज्ञान पे उनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इस महाविद्यालय में प्रत्येक बच्चे पर उसके भाषा ज्ञान पे, उसके इंग्लिश की भाषा ज्ञान पे, हिंदी की भाषा ज्ञान पे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, मार्केट के जो अलग अलग सेगमेंट हैं उनकी जानकारियाँ इंडस्ट्रियल विजिट करवा के उनको हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं और रेगुलर क्लासेस के माध्यम से विद्यार्थी पिछले सत्र तक महाविद्यालय में आते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस समय चूँकि कोरोना का पूरे विश्व में एक महामारी चल रही है जिस कारण से रेगुलर क्लासेस संचालित होना अभी संभव नहीं है, लेकिन परंतु हमने सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के माध्यम से विभिन्न तरीकों से उनको शिक्षा उपलब्ध करवाई है। अगले सत्र में भी जब तक कोई दिशा निर्देश नहीं आते हैं विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से निराशा का भाव पैदा नहीं होने दिया जाएगा, उनकी शिक्षा का पूर्ण ध्यान महाविद्यालय रखेगा।